और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की ओर से बड़ी घुसपैठ नाकाम कर दिया है। सेना के मुताबिक हथियारबंद लोगों की संदिग्ध हरकत के बाद सेना ने घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन के दौरान रात को फायरिंग हुई जिसमें सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। सुनील जी भट्ट में सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात को जो है सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि कुछ जो है संदिग्ध वहां पर हरकत हो रही है नियंत्रण रेखा के पास सुंदरबनी सेक्टर में, राजौरी जिले में, और उसके बाद एक गहन जो है तलाशी अभियान चलाया गया समूचे इलाके में जो कि नियंत्रण रेखा के पास जो गांव पड़ते हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, सेना की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ चुका है कि वहां पर जो है मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में जो है एक जो सेना का जवान है वो जख्मी हुआ है और अभी भी जो है गहन तलाशी अभियान जारी है। लेकिन ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ आतंकी जो है उन्होंने घुसपैठ की हो, लेकिन अभी तक घुसपैठ के विषय पर जो है अभी ज्यादा जानकारी आना बाकी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियां जो है समूचे जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, ड्रोन का खतरा हो या अब जो है सीमा पर भी जो है नियंत्रण रेखा पर भी जो है मुठभेड़ इस समय चल रही है। एक सेना का जवान जो है वो जख्मी हुआ है और ऑपरेशन अभी जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।